भारत विकास परिषद शाखा शीर्षक तेरा फंत महिला मंडल के साथ संयुक्त रूप से तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2024 को कैंसर जागरूकता परिचर्चा आयोजन किया गया। इसमें 100 से अधिक श्रोताओं ने भी भाग लिया। वहां के सचिव सतपाल जोत ने जानकारी देते हुए बताया कि तेरा पंत भवन नोहरिया बाजार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी स्वयं प्रभा जिनके चरणों में नमन वंदन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय विकास परिषद के प्रांतीय महासचिव दीपक शर्मा तथा हरियाणा सभा के अध्यक्ष मखनलाल गोयल ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। हाँ जी, सबसे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप ठाकुर है और मैं अभी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एज हेड एंड नेक कैंसर सर्जन काम कर रहा हूँ। मेरा हेड एंड नेक कैंसर में जो सुपर स्पेशलिटी है एम्स न्यू दिल्ली से है और हम लोग हेड एंड नेक कैंसर जिसको हम बोलते हैं नाक कान गला का जो कैंसर है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। तो आज यहाँ पे सिरसा में हम लोग तेरा पंथी महिला मंडल एवं भारत विकास परिषद की तरफ से आमंत्रित हैं और हमारा जो यहाँ आने का मकसद है वो मेनली ये जो नाक कान गले का कैंसर है जो एक्चुअल में इसका बहुत ही ज़्यादा इंसिडेंस है, काफ़ी कॉमन है, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाना है और क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और कैसे हम इसको ट्रीट करते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ये कैंसर कितना कॉमन है, जो हम नाक कान गले का कैंसर की बात करते हैं कितना कॉमन है। आज के समय में हमारे देश में अगर 100 नए कैंसर एक साल में डायग्नोज होते हैं तो उसमें से 20 कैंसर केवल हेड एंड नेक के होते हैं। तो आप ये कह सकते हो पुरुषों में ये सबसे कॉमन कैंसर है जबकि महिलाओं में ये चौथा सबसे कॉमन कैंसर है। तो ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसकी हेड एंड नेक कैंसर की वजह से कितनी मौतें होती हैं हर साल वो देखें तो हर 100 मौतें जो कैंसर की वजह से हो रही है उसमें से 15 मौतें सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर की वजह से हो रही है। और दूसरा ये इसका कारण क्या है, क्यों कैंसर होता है मोस्टली। सो सबसे पहले जैसे पुरुषों की हम बात करें बहुत कॉमन है, सबसे कॉमन कैंसर है। इसका सबसे कॉमन कारण हमारे पास जो कैंसर पेशेंट्स आते हैं नाक कान गले के कैंसर के उसमें सबसे कॉमन कारण है तंबाकू का सेवन करना, जिसमें मूलतः चबाने वाला जो तंबाकू होता है जिसको हम गुटखा खैनी पान जर्दा मसाला या फिर सुपारी उस सब का सेवन, उसके अलावा स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करना, शराब का सेवन करना। कुछ लोग अल्कोहल और शराब दोनों को मिक्स करते हैं उसमें जो रिस्क कैंसर बनने का रहता है वो तकरीबन 35 गुना और बढ़ जाता है जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं। तो ये मूलतः 95% लोगों में यही कारण होते हैं। 5% लोगों में जिसमें मेनली महिलाएं आती हैं उसमें सबसे कॉमन कारण होता है तीखा दांत जो जीभ में लग रहा हो या फिर जो मुंह की चमड़ी में लग रहा हो उसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन जो होती है वो एक कॉमन कारण रहता है। सो इसीलिए हम प्रिवेंशन के बारे में जब बात करेंगे तो यही सारी चीज़ें जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे कोई स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग बंद करनी चाहिए, कोई तंबाकू खाता है उसको तंबाकू बंद करना चाहिए, अगर शराब का सेवन करता है तो बंद करना चाहिए, उससे अपने आप आपके काफ़ी सारे जो कैंसर है वो अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है इमिडिएटली कम हो जाएंगे पर ये बोलते हैं कि अगर एक स्मोकर और टोबैको च्यूअर है जो सेवन कर रहा हो वो 15 साल अगर नहीं यूज़ करता हो तो 15 साल बाद उसके एक नॉर्मल जो सेवन नहीं करता है इन चीज़ों का उसके बराबर रिस्क हो जाता है। तो सब प्राइमरली हम कैसे बचा सकते हैं, एडिक्शन बंद करना और दूसरा हेल्दी लाइफस्टाइल, हरी सब्जियाँ खाओ फ्रूट्स खाओ ज़्यादा उन चीज़ों से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें कैसे पता चलता है कि इसको कैंसर हो गया, सबसे पहले जो मुँह का कैंसर है छोटा सा करते हैं, अच्छा ठीक है दर्द है नहीं ये कैंसर ऐसे ही है कोई दिक्कत नहीं है, और पेशेंट हमारे पास कब आता है जब उस छाले में उसको दर्द होने शुरू हो जाती है, सो वो ऑलरेडी उस समय काफ़ी लेट हो जाता है, दो ट्रीटेबल होता है। तो इसलिए कोई भी छाला जिसमें दर्द नहीं है दर्द रहित छाला उसके कैंसर होने की प्रॉबलिटी बहुत ज़्यादा है, और जो हफ्ता 10 दिन से ठीक नहीं हो रहा हो मूलतः नॉर्मल छाले तो हफ्ता 10 दिन में ठीक हो जाते हैं, हफ्ता 10 दिन से कोई छाला जो ठीक नहीं हो रहा हो और जो बढ़ रहा हो साइज़ में और छूने में थोड़ा सा सख्त हो उसमें कैंसर होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो बढ़िया रहता है कि आप अपने निकटतम जो भी ENT स्पेशलिस्ट हैं उनसे जाके कंसल्टेशन लें सो दैट अपने आप एक उचित इलाज शुरू किया जा सके। दूसरा गले का कैंसर होता है, गले का कैंसर में आवाज़ ख़राब होना जो ठीक नहीं हो रही, आवाज़ ख़राब है या गले में दर्द है, खाना खाते हुए दर्द हो रही है,
हफ्ता 10 दिन से जो दर्द ठीक नहीं हो रही है, स्पेशली उन लोगों में जो तंबाकू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरी, किसी भी तरीके की गिटली अगर गले में बनती है, चाहे गले में हो, चाहे कान के नीचे हो, चाहे आपके इधर आगे हो, किसी भी तरीके की गिटली अगर है तो उसको टाइम पे डॉक्टर से मिलना चाहिए उसके बारे में। चौथा ये कि अगर नाक से खून आता हो, रेशा आता हो उसमें खून आ रहा हो, कान से रेशा आता हो खून आ हो, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है कैंसर होने की। ठीक है जी, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? जब भी हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले हम इनको थॉरली चेक करते हैं। टुकड़े की जांच बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अल्सर मुंह में, टुकड़े की जांच करें। हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रांति है कि अगर लोहे का इसमें टच हो जाता है, लोहा इसमें हम लगाएंगे, टुकड़ा लेंगे तो उसे कैंसर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कैंसर को अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, चाहे आप उससे बायोप्सी लो चाहे टुकड़ा ना लो, उसने तो बढ़ना ही है, वो कैंसर का एक अपना स्वभाव है। सो ऐसा नहीं है कि अगर हम उससे टुकड़ा लिया तो उसकी वजह से वो कैंसर बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। सो सबसे पहले हमारे पास जब भी मरीज आता है, हम सबसे पहले उसका टुकड़े की जाँच करते हैं, उससे पता चलता है कि इनको कैंसर है कि नहीं है। उसके साथ हम सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन, इनमें से कोई एक टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि कितना और ज़्यादा स्प्रेड किया है, यहीं पे कहीं और भी गया हो। तो इससे हम बोलते हैं हमारा ना कैंसर के बारे में पता चल जाता है कौन सी स्टेज है, जैसे हम लोग बोलते हैं उसको स्टेज 4 कैंसर है। तो इन सब चीज़ों से कैंसर की स्टेज का पता चलता है। तो जो अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं, जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 कैंसर होते हैं, नाक कान गले के कैंसर, उनको मोस्टली हम लोग सर्जरी से ठीक करते हैं, और उनमें जो ठीक होने की संभावना है वो बहुत अच्छी होती है। मतलब 5 साल में अगर बोलेंगे कि कितना जिएंगे, तो तकरीबन 80-90% लोग जीते हैं, काफ़ी लोग ज़्यादा भी जीते हैं। उसके बाद आता है स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर, कि जैसे शरीर में कहीं और जगह फैला हो, जैसे मुंह का कैंसर गले में आ गया, गिटली आ गई, तो स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर होते हैं। उसमें हम लोग पहले ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन के बाद रेडिएशन थेरेपी देते हैं, तो उसके बाद संभावना अच्छी रहती है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट जो स्टेज होती है, स्टेज 4C बोलते हैं। इसका मतलब है शरीर जो नाक कान गले का कैंसर हो, यहाँ से शरीर में कहीं और चले गया, उसमें ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है। उसमें हम लोग मोस्टली कीमोथेरेपी देते हैं। तो आज का हमारा जो मकसद है 31 तारीख का, ये है कि आज 31 तारीख को वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है। सारे जो हेड एंड नेक कैंसर होते हैं 95% वो सिर्फ तंबाकू के सेवन से होते हैं। तो आज हम जागरूकता इसलिए फैला रहे हैं कि तंबाकू का सेवन बंद करें, ताकि इस इंसिडेंस को हम थोड़ा कम कर सकें। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे पहले आपने कितने कैंप लगाए हैं? जी उसके बाद तो हम लोग अभी फोर्टिस मोहाली के उससे जो है ना, हम लोगों को जगह जगह से निमंत्रण आते हैं। तो तकरीबन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू में अभी तक तकरीबन हम 20 के करीब कैंप कर चुके हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि पेशेंट हमारे को फ़ोन भी करके बता देता है कि हमें ये दिक्कत है, तो उसका उचित वो हम ज़रूरी नहीं आप हमारे पास आएँ, हम तो इस चीज़ के लिए बैठे हैं इलाज करने के लिए, बट सबसे पहले आप बहुत जल्दी से जल्दी निकटतम जो भी आपके ENT स्पेशलिस्ट हैं उनसे मिले, उनसे राय लें, फिर उसके बाद फिर ताकि समय पे उचित इलाज किया जा सके। आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके बारे में? वर्ल्ड नो टोबैको डे के ऊपर, मोस्टली कैंसर तंबाकू से होते हैं, शराब से होते हैं, इनको बंद करें। तंबाकू चाहे वो धूम्रपान हो, चाहे धुआं रहित तंबाकू हो, उससे दूर रहें। और साथ में सब फल सब्जी का आहार थोड़ा ज़्यादा लें, फ्रूट्स लें, अपनी डाइट अच्छी रखें। हाँ जी सर, पहले अपना परिचय। मैं प्रमोद मोहन गौतम, शाखा अध्यक्ष भारतीय राज परिषद सिरसा। आज यहाँ क्या कार्यक्रम रखा है आपने? आज तंबाकू निषेध दिवस भी है, और इस अवसर पर हमने डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी, जो कि ENT ऑन्कोलॉजी हैं, विशेषज्ञ हैं फोर्टिस मोहाली में, उनसे हमने आग्रह किया था कि वो यहाँ आकर हमारे इस कैंसर जागरूकता अभियान का प्रारंभ करें, और उन्होंने हमारा ये अनुग्रह स्वीकार किया और आज यहाँ पधारे हैं। आज उनका एक हेल्थ टॉक हम करवाने जा रहे हैं, ताकि समाज में जागृति फैलाई जा सके। ऐसे कार्यक्रम आगे आप फिर दोबारा से आगे करोगे? हमने पहले भी किए हैं, हर वर्ष हम करते रहे हैं ऐसे, और आगे भी अभी 23 जून को भी हम कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर्स को बुलाकर इस विषय पे, इस विषय अलग अलग विषय ऐसे कार्य रेगुलर करता है, लगातार करता है। सेवा हमारा प्रकल्प है, भारत विकास परिषद का एक सेवा प्रकल्प है, जिसके तहत हम इस तरह के प्रकल्प करते रहते हैं, जिनमें डॉक्टर्स को बुलाकर जागृति फैलाना और मदद करना, कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप, जैसे आज सुबह हमारा ब्लड डोनेशन कैंप था इंजीनियर हॉस्पिटल में, और आज से 2 दिन पहले 28 तारीख को भी हमने एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया था, और उसके साथ ही हमने
आर्टिफिशियल लिम्ब्स डोनेट करने का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, हिसार जो हमारा दिव्यांग केंद्र है उसकी मदद से हमने 28 तारीख को एक आर्टिफिशियल लिम्ब डोनेशन का कैंप भी लगाया था। आमजन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आमजन को जैसा कि है कि तंबाकू दिवस का निषेध दिवस भी है आज, तो नशे से मुक्त हो समाज, युवाओं को विशेषकर जो आजकल नशा फैल रहा है जिसके कारण से कैंसर के बहुत केस आ रहे हैं, जो कैंसर कभी किसी किसी को मिला करता आज जनरली मिल रहा है, बहुत केस इसके आ रहे हैं, तो इस बारे में जागृति फैले, लोग बचाव कर सकें इस कैंसर से ज़्यादा लोग आएँ और इस कैंप का फ़ायदा फ़ायदा उठाए। हाँ जी, पहले अपना परिचय। हाँ, मैं कुसुम लता, 13 पंथ महिला मंडल अध्यक्ष सिरसा। आज ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य आपको कहाँ से मिला? ये पहले भी हम अपने जैन भवन में डॉक्टर साहब को बुलाया था कैंसर जागरूकता के लिए, तो हमें इनका ये सेशन बहुत अच्छा लगा, तो लोगों में जागरूकता और फैले, तो हमने इन्हें आग्रह किया कि ऐसा कैंप हमारे यहाँ पर दोबारा भी लगाया। हाँ, महिलाओं को आप क्या कहना चाहते हैं? महिलाओं को मैं यही कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब भी अपनी बात बता रहे हैं और साथ में लोगों में जो एक डर है, हमें कैंसर से लड़ना है तो डर नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी। तो आप बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा? ज़्यादा से ज़्यादा जैसे डॉक्टर साहब ने जो चीज़ कही है भी हरी सब्जियों का सेवन करें, खाने में फ्रूट्स का, तो घर में भी इसी प्रकार का खान पान जो आजकल चेंज होता जा रहा है, फास्ट फूड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो महिलाओं की भूमिका मेन है घर में, तो उन्हें ज़्यादा अपने परिवार को इस खाने की तरफ अच्छा लेके जाना चाहिए, अच्छा खाने की तरफ, ये महिलाएं ही कर सकती हैं।